गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत 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 अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सेफ होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको याद होगा मैंने अपने इंट्रो वीडियो में आपको बताया था कि बाय प्रोफेशन आई एम अ इंटीरियर डिजाइनर, मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करती हूँ अपने घर के मुख्य द्वार यानी मेन एंट्री के बारे में। सबसे पहली और मुख्य इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे घर का मेन एंट्री किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा है, मेन एंट्री है, इधर या तो वो पूर्व दिशा की तरफ ईस्ट या फिर नहीं तो नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ। ये दोनों ही दिशाएं वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है और शुभ है। दूसरी चीजें कि जब हम घर का अपना मुख्य दरवाजा बनवा रहे हैं तो वो दरवाजा बाहर की साइड ना खुले, वो दरवाजा घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए। उसके अलावा घर के बाहर जो एंट्री के बाहर जो थोड़ा स्पेस या जो भी स्पेस होता है उस जगह पे हम कोई भी भारी वस्तु ना रखें जिससे कि हमें अपने दरवाजे को खोलने या बंद करने में दिक्कत आए। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारे घर के अंदर धन प्रवेश करने वाला है उसमें भी वो रुकावट आता रहेगा। इसलिए मेक श्योर कि घर जो एंट्री है वो बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और आप सभी अपने अपने घरों में ये भी चेक करें कि जो आपका जो मेन डोर है, जब उसे खोलते या बंद करते हो तो उससे किसी प्रकार का कोई आवाज तो नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो प्लीज आप उसे ठीक करा ले, क्योंकि दरवाजे को खोलते या बंद करते समय किसी प्रकार का कोई साउंड या आवाज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप घर के बाहर कूड़ा इकट्ठा ना करें, डस्टबिन वगैरह अगर आपको बाहर निकालना है और आप निकाल रहे हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग फ्लैटों में रहते हैं और ये प्रॉब्लम कॉमन है, तो मेक श्योर कि डस्टबिन कवर्ड हो, खुले डस्टबिन को ना रखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप सभी को मेरे इस वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत भी अगर फायदा हुआ हो या इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो आप, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के सारे सवालों का जवाब दूंगी और फिर बहुत जल्दी ही मिलेंगे फिर हम एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखें, ख्याल रखें, सेफ रहें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।